ठीक है, मैंने काव्या को रोक लिया है, अब आराम से सो जाओ, गुड नाइट। सोई नहीं अभी तक? बताओ क्या चल रहा है दिमाग में? लक्ष्य की बात थी। रागिनी, तुम अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रही हो? लक्ष्य के बारे में नहीं, उसने जो कहा उस बारे में। कुछ गलत नहीं कहा लक्ष्य ने, शायद सच में ये सब हमारे कर्मों की सजा है। कितने झूठ बोले हमने, कितने नाटक किए कि आज जब हम सच में अपनी जान देने जा रहे थे तब हमारे प्यार ने हमें झूठा साबित कर दिया। बहुत नफरत करते हैं हमसे। नहीं रागिनी, ये तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी आजादी है। आज से तुम अपनी हर गिल्ट से, हर एक गलती से आजाद हो, क्योंकि तुमने अपनी हर एक गलती मान ली है। अब सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं स्वरा, हम रागिनी, हमारी लाइफ एक बहुत प्यारा गिफ्ट है, हम उसे वेस्ट नहीं कर सकते ना। आज भगवान जी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया, एक नई जिंदगी दी, तुम्हें जीना होगा माँ बाबा के लिए, दादा दादी के लिए। रागिनी, एक रिश्ते के टूटने की सजा तुम बाकी सबको नहीं दे सकती, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो स्वरागिनी का क्या होता? रागिनी के बिना स्वरा अधूरी है ना। प्रॉमिस मी कि आज के बाद कभी हिम्मत नहीं हारोगी, कभी ऐसा कदम दोबारा नहीं उठाओगी। एंड आई प्रॉमिस तुम्हें बहुत जल्द अपनी जिंदगी जीने का मकसद मिल जाएगा। तुम सिर्फ किसी की बेटी, बहू या बहन नहीं हो रागिनी, तुम्हारी अपनी भी एक पहचान है, और बहुत जल्द तुम्हें वो पहचान मिल जाएगी। करो वादा मुझसे। सास ससुर को टॉर्चर करना एक बहुत ही बड़ा कारण है डिवोर्स के लिए। मिसेस काव्या रामेश्वरी, तो अगर अभी आप हम सबको इस घर से निकालना चाहती है तो मुझे बता दीजिए, वकील साहब मेरे साथ है, मैं अभी आपके खिलाफ केस फाइल कर देता हूँ। सॉरी लक्ष्य, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा। चलो यहां से, मैं नहीं चाहती कि तुम अपना एक भी सेकंड अपनी सो कॉल्ड फैमिली के साथ वेस्ट करो। वाह लक्ष्य, तुम्हारी बीवी इतना कुछ बोल के चली गई और तुम वहीं खड़े रहे, कुछ नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। हाँ मां, जानता हूं, पर आज पहली बार किसी ने मेरे लिए आवाज उठाई। ऐसा सुन के मुझे एहसास हुआ कि कोई तो है जो मेरे बारे में सोच रहा है, मुझसे प्यार करता है। मुझे लग रहा है कि क्या मैं भी प्यार के लायक? काव्या ने जो कुछ भी किया सिर्फ मेरे लिए किया,
रही बात मेरे चुप रहने की, तो जब रागिनी इतने दिनों से मुझे परेशान कर रही थी तब आप सब ने क्या किया? आप सब भी तो चुप ही थे ना। और रागिनी के पापा सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया तो आप सबने मुझे ही गलत ठहराए। अब आप जितना चाहे संस्कार को प्यार कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद मेरा परिवार, मेरा सब कुछ मेरी पत्नी काव्या है। वकील साहब, थैंक यू। जब तक मुझ में एक भी सांस बची है तब तक कोई भी मेरे परिवार को कुछ नहीं कर सकता। तुम बताओ स्वरा, तुम क्या सोच रही थी? हम तुम्हें इतनी अच्छी सलाह तो नहीं दे पाएंगे, पर ये जरूर बताते हैं कि अगर तुम हमारे साथ शेयर करोगी तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। बताओ। कुछ नहीं रागिनी, बस उस लड़की काव्या के बारे में सोच रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो जैसा दिख रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम चिंता मत करो स्वरा, तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालोगी, सब कुछ ठीक कर दोगी तुम, क्योंकि स्वरा कभी हार नहीं मानती। बचपन में आपकी बहुत सारी कहानियां सुनाई है दीदा ने, कि कैसे बच्चे होने के बावजूद आप सारी बुराइयों से, सारे राक्षसों से अकेले लड़ते थे, सबको बचाया है। हमारे लिए सरप्राइजिंग बात यह होती थी कि आप हर बार उन्हें हरा देते थे, पर ना वो कभी हार मानते थे और ना ही आप। कान्हा जी, आज मुझे वही हिम्मत आपसे चाहिए, क्योंकि बाबा ने मुझे एक कसम में बांध दिया है। बाबा चाहते हैं कि मैं अपने ससुराल की दहलीज पार ना करूं, पर कान्हा जी, जब तक मैं वहां पर जाऊंगी नहीं, वहां की बुराई कैसे खत्म कर सकती हूँ? उस बुराई ने मेरा हर रिश्ता खराब कर दिया है। मुझे मेरे अपनों को बचाना है, अपनी ये लड़ाई जीतनी है, बेटी और बहू दोनों का फर्ज निभाना है। मुझे नहीं पता मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। एक फर्ज निभाने जाऊंगी तो दूसरे में हार जाऊंगी। प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे हिम्मत दीजिए, मैं दोनों रास्तों पर अच्छे से चल पाऊं। मुझे इतनी समझदारी दीजिए कि मैं ये सारे हालात सुधार पाऊं अपनी फर्ज की कसौटी पर खरी उतर पाऊं। प्लीज भगवान जी, प्लीज मेरा साथ दीजिए। देवा कृष्ण, आप देख रहे हैं ना किस तरह से आप ही की मूर्ति चोरी होती है और इल्जाम आता है हम पर, हमारे परिवार पर, मेरी आची पर। क्यों? सिर्फ
इसलिए क्योंकि हम आपकी दासियां हैं, हमें बदनाम करने के लिए ना, और किस हद तक जाने वाली है दुश्मनी, जो पाप हमने किया ही नहीं उसका दोष हमें क्यों? जानते हैं ना आप कि मेरी आजी की कितनी श्रद्धा है आप पर, हमारा वजूद, हमारी पहचान, सब कुछ आपसे है देवा, हमारी रक्षा आप ही को करनी होगी, सत्य की जीत और असत्य की हार, यही आपका न्याय है ना? मैं यही चाहती हूँ, मुझे इतनी शक्ति देना भगवान कि मैं अपनी आजी को, अपनी आई को उनका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिलवा सकूं, उनकी प्रतिष्ठा वापस दिलवा सकूं, यही मेरा फर्ज है और यही जिम्मेदारी। हे कृष्णा, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे इतनी समझदारी दो कि मैं हालात सुधार सकूं, अपने फर्ज की कसौटी पर खरी उतर सकूं। प्लीज कृष्णा, प्लीज। कोई ना कोई मेरी जमानत कराने के लिए आता ही होगा। सरकार आ गए। सरकार, जमानत के कागजात तैयार है सरकार। क्योंकि प्रद्युम्न विद्याधर राव मुझे एक दिन भी यहां नहीं रुकने देगा। इससे पहले कि आपको कोई देख ले, आप यहां से जाओ। हो रहे हो जाते में। ये बाजी तू जीत क्या देवी? अब अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी, फिर सोचेंगे कैसे खेलना है। ये ध्यान, कृष्णा हमेशा तेरे साथ रहे, अपना ध्यान रखना। हाँ ये ध्यान। जमानत के कागजात दे दे बनवारी, हम देवेश से मिलकर आते हैं। रुकिए, कौन है ये औरत, किससे मिलना है ये और किसकी परमिशन से? मैडम जी, वो मिलने आई थी लेकिन मैंने नहीं मिलने दिया, जा रही है। सरकारी पेपर देख लिया जाए। तेरी जमानत हो गई है, तूने हमारा दिल जीत लिया। हमारे लिए जो लड़ते हैं उन्हें हम कभी अकेला नहीं छोड़ते और ना ही किसी का उपकार सर पर रखते हैं। बाबा साहब, आपका विश्वास जीत पाया इतना ही मेरे लिए बहुत है, लेकिन बाबा साहब आपको भरोसा हो गया कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने चोरी नहीं की। हम इंसान को परखने में कभी गलती नहीं करते। अगर आप मुझे दोषी भी मानते तो भी मैं सफाई नहीं देता, क्योंकि सफाई देने का मतलब है मुझे अपने मालिक पे भरोसा ही नहीं। तू सिर्फ वफादार ही नहीं, चतुर है। तूने हमारी इज्जत बचाई है। पहले तो सोचा था कहीं छोटा मोटा काम दे दे तुझे फैक्ट्री, लेकिन नहीं, तू उससे भी ज्यादा का हकदार है। आज से तू हमारा खासा है। शुक्रिया। आपका एक खास आदमी आपके पीठ में बड़े प्यार से खंजर खोपेगा। अपनी बहिनी के दुखों का बदला मैं लेके रहूंगा। वो
वफादारी करते हैं देखा तुम्हें, अच्छा लगा। वैसे ये चेंज आया कब तुम में? मैं जो पहले था आज भी वही हूँ, मेरे हालात भी वही हैं दामिनी। इंस्पेक्टर दामिनी, मुझे दामिनी कहने का कोई हक नहीं है तुम्हें। सॉरी इंस्पेक्टर दामिनी। वैसे तुम जैसे लोगों की वफादारी भी नाटक ही होती है, पर इतना जानती हूँ बेवफा हो सकते हो, चोर नहीं, इसलिए तुम्हें सचेत कर रही हूँ। जिसे बचाने के लिए तुमने ये चाल चली है उस पर मेरी नजर रहेगी। इंस्पेक्टर दामिनी, जिगर तुम में है मुझे पता है, लड़ोगी भी तुम, ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन एक बार चट्टान के साथ टकराने से पहले सोच लेना, कहीं वो चट्टान वो पहाड़ तो नहीं जिसे तुम अपनी पूरी ताकत लगा के भी हिला ना सको। चलता हूं। हेलो स्वरा, मैं बड़ी माँ, आप? बेटा रागिनी ठीक है ना? मैं कल रात को उससे बात करना चाहती थी, लेकिन एक तरह से अच्छा है कि तुम अपनी बहन के साथ हो। इस वक्त उसे अपनी बहन की सबसे ज्यादा जरूरत है बेटा, और अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगी बेटा। बड़ी माँ आप सब ठीक तो हो ना? वो सचकार ने कहा कि कल काव्या ने आप सबको घर से संस्कार ने सब कुछ संभाल लिया। बड़ी माँ I'm sorry, वो कल। नहीं बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम तो हमेशा हमारे साथ हो, हमारे दिल में। स्वरा मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। मेरे लिए माफी मांग रही थी आप? क्या जरूरत थी? एनीवेज आपसे तो बात करना ही। लक्ष्य, बचपन में अपने पैरों पे खड़ा होना हमने सिखाया, उंगली पकड़ के चलना भी हमने ही सिखाया। जिन्हीं पैरों से तुम हमसे दूर जा रहे हो, दूर भी तो आप ही ने किया है ना माँ। बस है, मंदिर में मूर्ति की स्थापना फिर से करनी है, क्षमा आरती करनी होगी। शास्त्री बुआ, क्षमा आरती और हम माफी मांगेंगे। ये बात अगर किसी और ने कही होती तो। हाँ बस है, क्षमा आप क्यों मांगेंगे?
मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि आप ऐसा करेंगे। वापस है पूरे गांव को क्षमा आरती करनी होगी, क्योंकि मंदिर तो पूरे गांव का है। जिसने भी गलती की है हम सबको भगवान के चरणों में झुकना होगा। भगवान के चरणों में झुकने में कैसा संकोच। आप ठीक कह रहे हैं, हमारे मंदिर में हमारे भगवान का अपमान हुआ है, हम क्षमा आरती करेंगे। आर्यन। जी आप। तू भी हमारे साथ चल, हम चाहते हैं कि अब से हर विधि में तू हमारे पास खड़ा होगा। जी अब। और तू चिंता मत कर बच्चा, असली गुनहगार हमारी नजरों से नहीं बचेगा। लेकिन तू ऐसे उदास मत रहना, तेरी उदासी हमसे देखी नहीं जाती। चल हंसते हंसते। शाबाश। अब पता चला ना तुझे कितने वफादार लोग हैं तेरे आबा के। अरे ये शरबत मैंने अपने लिए थोड़ी ना मंगवाया है, गेस्ट के लिए मंगवाया है। और शरबत के साथ कुछ मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स भी होने चाहिए, समझ गए ना आप। एक बार में जो बताऊं, माने को तो समझ ही ना आ रहा है जो घर में हो के रहा है। अमन ये सब क्या हो रहा है? वाओ मॉम, व्हाट अ परफेक्ट टाइमिंग। ये सब क्या हो रहा है काव्या? आज मेरे कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं, तो प्लीज उनके सामने थोड़ा अच्छे से बिहेव कीजिएगा। मैं जानती हूँ आप मेरे पति और मुझे पसंद नहीं करते, बट आई एम अ वेरी फेमस सेलिब्रिटी, सो प्लीज मेरी रेप्यूटेशन का थोड़ा ख्याल रखिएगा। आई थिंक वो लोग आ गए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। इतने सारे लोग, ये सब कौन है? जिच्ची पता नहीं। प्लीज कम। तो दर्शकों अब हम पहुंच चुके हैं आपकी फेवरेट, हमारी फेवरेट काव्या के घर पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वैसे तो ये बहुत बड़ी सिंगर और एक्ट्रेस है। इन्होंने अपने लिए सिंगर की जगह कोलकाता के मशहूर बिजनेसमैन लक्ष्य महेश्वरी को चुना और उनसे उनकी हाल ही में शादी भी हो चुकी है। तो चलिए आज हम देखते हैं उनके ससुराल का हाल। आज मेरी मुंह दिखाई है, यू नो लाइक शो ऑफ योर बहू टू द नेबर्स एंड ऑल। Just a sec. Actually, मेरी शादी मारवाड़ी फैमिली में हुई है, तो मुझे मारवाड़ी बहू ही लगना चाहिए ना। दर्शकों ये आपकी काव्या जो कि पहली बार मारवाड़ी लुक में है, आइए इनसे बात करते हैं। चलिए हे राम चिच्ची, ऐसी बेशरम छुरी तो मैंने जिंदगी में कभी ना देखी। अपनी मुंह दिखाई तो खुद ही कर रही। से मिलिए, ये है मेरी सासू मॉम अन्नपूर्णा महेश्वरी। तो बताइए मैम, क्या कहना चाहेंगी आप अपनी बहू के बारे में? मुझे कुछ नहीं कहना।
लोग यहाँ क्या कर रखा है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज था बेबी। ये है मेरे हैंडसम डैशिंग लविंग हस्बैंड लक्ष्य महेश्वरी। अब हम आपको उस इंसान से मिलाने जा रहे हैं जिसने देश की सबसे खूबसूरत फनकारा काव्या जी का दिल चुराया, यानी कि लक्ष्य महेश्वरी जी से। ओके, अब आप लोग नीचे चलिए, हॉल से हमें कवर कीजिए, हम लोग नीचे चलकर आएंगे। ना, जे सोफे को उसकी जगह से कोई ना हटाएगा, जो उसी की जगह खबरदार हाथ लगाया तो। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये हमारी चाची जी सुजाता महेश्वरी, और सासू माम से तो आप लोग मिल ही चुके हैं। और ये है हमारी भाभी परिणीता महेश्वरी, और ये है लक्ष्य की इकलौती बहन उत्तरा महेश्वरी। आइए। ये है मेरे ससुर जी दुर्गा प्रसाद महेश्वरी, ये चाचा जी राम प्रसाद महेश्वरी, और ये भैया आदर्श महेश्वरी, और ये लक्ष्य के दूसरे भाई हैं। चलिए, मैंने अपनी फैमिली से तो आपको इंट्रोड्यूस करवा ही दिया है, अब मैं आपको अपने खूबसूरत मेंशन को दिखाऊंगी जिसके ओनर है मेरे हस्बैंड लक्ष्य महेश्वरी। बहुत प्यार करते हैं वो अपनी फैमिली से, इसीलिए हम सब लोग साथ में रहते हैं। लक्ष्य काव्या को बोल के इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दे। क्या हुआ भैया, वो गलत क्या कर रही है? अगर सेलिब्रिटी है उसकी मैच के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है, और वो आप सबको इन सब में इन्वॉल्व करने की कोशिश तो कर रही है ना। कमान काव्या जी, कुछ टिपिकल भाव जैसे शॉट्स दीजिए। शो तो सबसे पहले सासू माँ के साथ। हटिए आप सब, हटिए प्लीज। अरे ये क्या, काव्या जी पैर छू चुकी हैं और सासू माँ बिना आशीर्वाद दिए चली गई। ये बेरुखी की वजह क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं सास बहू का ड्रामा चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ ना, इसलिए थोड़े एडजस्टमेंट में इश्यूज हो रहे हैं। अदरवाइज शी लाइक्स मी, दे ऑल ऑफ देम अडोर मी। अरे ये क्या, फंक्शन के बीच से ये सारे मर्द उठ के कहाँ जा रहे हैं? वो एक्चुअली मुंह दिखाई तो जेंट्स का फंक्शन होता ही नहीं है ना, सिर्फ लेडीज का फंक्शन है, दैट्स व्हाई। तो जैसा कि आपने देखा कि काव्या की सासू माँ, चाची जी, भाभी और ननद भी उठकर चले गए, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसी मुंह दिखाई है। वो लोग जरूर किसी काम से गए होंगे, मैं बस अभी बात करके आती हूँ। अब देख सकते हैं जिस तरह से कि हमारी घर की नई नवेली बहू अपने सासू माँ को मनाने जा रही हैं, क्या वो उनको मना पाएगी? जानने के लिए देखिए लाइव ओनली ऑन खबरदार। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तांबा, बिना बांसुरी के कृष्ण को देखा है कभी तुमने? प्रद्युम्न विद्याधर राव,
जाऊद्या तुम क्या जानो कृष्ण को, कृष्ण भक्ति को। देवा कृष्णा माफ कर दे मुझे, पापी को सबक सिखाने के लिए पाप करना पड़ता है कभी कभी, तुमसे क्या छिपा है? आपको सब पता है देवा, किसी ने हमको फंसाने के लिए ये चाल चली है, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। तुम हमेशा कमजोरों का साथ देते हो, देख ही रहे हो ना कि कैसे आबा साहेब और उनका ये पोता हमें गांव से निकलवाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इनसे हमारे परिवार की रक्षा करना देवा। मेरी आंखें के आंसू आपने भी देखे होंगे भगवान, मेरे परिवार को बदनाम कर रही है देवदासियों का परिवार, इनसे लड़ने की ताकत देना प्लीज। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आप मुझे आशीर्वाद देने नीचे नहीं आएंगी ना? आशीर्वाद ना हमारी जूती मिलेगी थारे को। ये क्या हुआ? बच्चा क्या हुआ? ये देखिए दर्शकों, काव्या की सास और चाची सास अभी कुछ ही देर पहले नाराज होकर कमरे में गई, काव्या उन्हें मनाने थोड़ी देर पहले अंदर गई और अब बेहाल हालत में बाहर निकली, इसका मतलब हमारा शक सही निकला। गौर से देखिए दर्शकों, यही है वो जालिम सासे जिन्होंने घर की नई नवेली बहू का ये हाल किया। नाना ये झूठ है, हमने कुछ ना किया है। एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी काव्या जी को घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। आर्यन हम चलते हैं, तुम आ जाना। जी हाँ।
नाटकों से तुम लोगों को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अच्छा होगा तुम लोग यहाँ से चले जाओ। नाटक कौन कर रहा है ये सब जानते हैं, और मूर्ति भी कहाँ से मिली है ये भी सबको पता है। तुम जैसे बुरे लोगों से लड़ना और मेरा फर्ज है। कृष्णावती छोड़ के नहीं जाने वाली मैं। इनकी टशन मेरा जशन। तुलसी चल गा, चल घर चलते हैं। घर? ओ, लेकिन हम तो पूना जा रहे थे ना, तो घर क्यों? क्या कह रही हो तुम, हम कैसे जा सकते हैं इस गांव को छोड़कर? मुझे लगा कि कृष्ण ने हमें यहाँ से जाने का इशारा दिया है, लेकिन मैं गलत समझी इशारे को। ऐसा नहीं है, ये यही कह रहे हैं कि यहाँ रहो, मंदिर की रक्षा करना तो हमारी जिम्मेदारी है, वरना ये अहंकारी का राज ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं, मीना ही जानार, मैं इधर ही रहूंगी। अब इस जंग को छोड़कर हम नहीं जा सकते। चल हरी चल। आई आजी तो बिल्कुल ठीक कह रही है। वो आई इस तरह से कायरों की तरह डर कर हम यहाँ से नहीं जा सकते। ये मंदिर हमारा भी, बब इसकी रखवाली करेंगे हम। सुन लिया? अतः हरी चल। हाँ आ जा। चल आई। हे कृष्णा, ये क्या लीला है तेरी? मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, बस मेरी बेटी की रक्षा करना। लक्ष्मी तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लेकिन काव्या ये सब कैसे हुआ? काव्या जी, मैं इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? क्या आप कमरा बंद करके मजा बिठाइए, इसे बंद कीजिए ये सब। आप तो एक औरत है, उसके बावजूद भी ये सब हरकत क्यों आखिर? बताइए मैडम, ऐसी क्या वजह रही जो आपको अपनी बहू पर हाथ उठाना पड़ा? क्या आप इस शादी से नाखुश हैं? क्या आप अपनी सारी बहुओं के साथ ऐसे व्यवहार करती हैं उनके साथ? अगर आप काव्या से इतनी नफरत करती तो आपने उससे शादी ही क्यों करवाई? क्या बोल रहे हैं आप सब? लक्ष, तुम्हें क्या लगता है ये सब हमने किया? नहीं नहीं माँ, वो लक्ष प्लीज आई नीड यू। क्यों छोरी, तू अपने आप को समझती क्या है? तू खुद एक जाहिल औरत है, बड़ों से बात करने के थारे को तमीज ना है, व्यवहार करना थारे को आता ना है, और तू हम दोनों पे झूठा इल्जाम लगा रही है। लक्ष्य की चाची जी अपने ऊपर लगे इल्जामों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों लोगों के सामने उन्होंने काव्या जी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ है, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंद कमरे में काव्या जी के साथ उन्होंने क्या क्या किया होगा। छोड़ो, बताइए। थैंक यू। आज रागिनी आई थी, पूजा की, मुझे प्रसाद दिया, मुझे तो याद भी नहीं ना आखिरी बार उसने ऐसा कब किया, और मैं जानता हूं ये मेरी स्वारा ने करवाया है। मेरी स्वारा सबका ख्याल रखती, सबको सही रास्ता दिखाती। तुम अभी मेरी कसम के बारे में सोच रही हो? बाबा कल उन्हें घर से तुम्हें कैसे समझाऊं सारा, कितनी बार कहना पड़ेगा उस घर का जिक्र अब इस घर में कभी नहीं होगा। हम जैसे हैं, जिस हाल में हैं, खुश रहने की कोशिश करेंगे। कसम याद है ना? उम्मीद है तुम मेरी कसम नहीं तोड़ोगी। Thank you.
एक मिनट, तो चाहिए क्या? जब चाहे तुम घर में आ जाते हो। जी वो बाबा साहब ने मेरे रहने का इंतजाम यही आउट हाउस में करा दिया, अब मैं उनके पर्सनल स्टाफ में से एक। अरे आबा ना बहुत अच्छे इंसान है, वो जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं, पर मैं वैसा नहीं। मैं पता करके रहूंगा कि मूर्ति किसने चुराई थी। जरूर कीजिएगा, लेकिन आप शुरुआत पहले घर से करना, क्योंकि घर का ही कोई है जिसने इतनी आसानी से घर में ही कांड करवा दिया। मतलब बोलना क्या चाहते हो तुम? मेरे घर वालों पर उंगली उठा रहे हो तुम? नहीं, देखिए गुस्सा कमजोर लोग करते हैं। जरा सोच कर देखो, आबा साहब को कौन बदनाम करना चाहता है? इस हवेली में बाहर के आदमी का आना क्या इतना आसान है? कौन करेगा हिम्मत? कोई है घर परिवार का जो उन देवदासियों की हेल्प कर रहा है और आबा साहब से बदला लेना चाहता है। तो ये देखिए दर्शकों, ये है हमारी आज की नारी का हाल। औरत चाहे कितनी भी कामयाब हो जाए, लेकिन उसके ससुराल वाले उसको परेशान करने से बाज नहीं आते। और आज ऐसा ही एक हादसा देखा हमने मिसेस काव्या लक्ष्य महेश्वरी के साथ, एक इतनी बड़ी एक्टर सिंगर को अपने ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। क्यों छोरी, तू अपने आप को समझ नहीं गया है? तू खुद एक जाहिल औरत है, बड़ों से बात करने के थारे को तमीज ना है, व्यवहार करना थारे को आता ना है, और तू हम दोनों पे झूठा इल्जाम लगा रही है। और ये देखिए, लक्ष्य की चाची जी अपने ऊपर लगे इल्जामों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों लोगों के सामने उन्होंने काव्या जी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंद कमरे में काव्या जी के साथ उन्होंने क्या क्या किया होगा। ये देखिए सर, कैसे लगा आपको? इस घर की घरेलू औरतें जब हिंसा करते रंगे हाथ पकड़ी गई, तो इनके पति मतलब यहाँ के सारे मर्द इनको बचाने के लिए कैसे आगे आ रहे हैं? ये देखिए आप, देखिए घरेलू हिंसा। अब यहाँ पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है। अब इनसे वो पता चलेगा कि घर पे घर के बहू का शोषण करने का क्या नतीजा होता है। अगर आप काव्या जी को बचाना चाहते हैं तो प्लीज इस नंबर पे SMS कीजिए। जैसी करनी वैसी भरने। पर दादी, कोई बड़ी माँ और मॉम पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकता है? उन्होंने कभी भी आज एक बात कान खोल कर सुन ले, वो न थारी बड़ी माँ है न मॉम, समझी? बैठ सकती कहां रहा? चुपचाप अथे बैठ। वो लोग जेल में सड़े या जहन्नुम में जाएं, हमें उससे कोई लेना देना ना है। स्वरा, हमारी बात दोबारा सुन ले। स्वरा, उस घर में जाकर उनकी मदद करने की सोचना भी मत। याद रख, थारे पिता ने कसम दी है, और अपने पिता की कसम तोड़ने की सोचना भी मत, क्योंकि वाह के बाद तू अठे इस घर में कभी वापस नहीं आ पाए। सोच ले, मायका मायका इतना सख्त पहरा है, फिर भी घर के अंदर कोई आता है और आपा के कमरे में मूर्ति रख जाता है, कैसे? फिर किस काम का है? नगमोशी, आपको किसी पर शक है? हमको क्या पता बेटी? आर्यन बाबा, आपको किसी पर शक है तो बोलो, अभी कभी उसको उल्टा लटका देंगे, एक सेकंड में सच की उल्टी करना शुरू कर देगा वो। कल परसों में आपने किसी को आपा के कमरे के आसपास भटकते हुए देखा है? नहीं बाबा, मैंने तो नहीं देखा।
मौशी हा? बाबा का कल से नहीं दिखे हो, आरती के लिए मंदिर में भी नहीं है। मेरे को क्या मालूम, तुम्हारे बाबा अपने मर्जी के मालिक है। तेरे आई से पूछ कहाँ है वो बेचारी को क्या मालूम। तुम्हारे बाबा को बाहर वालों पे दया कर्म करने से फुर्सत मिलेगी तो पता चलेगा ना घर के लोग कितने दुखी है। जी बाबा, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको। चलो वैसे हाँ, कल आबा साहब के कमरे के बाहर तुम्हारे बाबा को देखा था मैंने। आबा साहब को कौन बदनाम कर सकता है? कोई है घर परिवार का जो उन देवदासियों की हेल्प कर रहा है और आबा साहब से बदला लेना चाहता है। गुंडा गर्दी करने आया तुम यहाँ पे अपना कॉलेज छोड़ छाड़ के? लोगों के घर चलाओगे तुम? एक छापा मारूंगा मैं। ठीक है मौसी, आप जाइए ना, आप अपना काम कर लीजिए। हाँ बहुत काम है मेरे को। आउटहाउस में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं आबा साहब, आज से तेरे खाने पीने का इंतजाम हमारे घर पर ही होगा। ए, इसके लिए खाना लगा दे। रुक, जा दूसरा काम कर। गायत्री इधर आ। जी आसुबा। क्या जी आसुबा? अरे घर में पहली बार कोई मेहमान खाने पर आया हो तो क्या घर के लोगों की जिम्मेदारी नहीं उसका स्वागत करें, उसका ख्याल रखें? ससुराल जाकर नाक कटवाएगी क्या? चल जा, ये किताब बाजू में रख दे और देवेश के लिए खाना लगा। हम चलते हैं। संस्कार को फोन करो और पूछो कि वहां क्या चल रहा है। बिजी आ रहा है, शायद लॉर्ड से बात कर रहा होगा। ये सब क्या हो रहा है काव्या? प्लीज प्लीज आगे मत आइए। सर हमारा काम करने दीजिए। देखिए आप सवाल ना पूछें अभी, प्लीज हमारा फैमिली मैटर है। सागर जी मुझे आपकी थोड़ी एडवाइस चाहिए। हमें किसने फोन किया था यहाँ से? जीजी पुलिस आ गई, क्या करेंगे जीजी? पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा रागिनी। स्वरा तुमने हमें कहा था कि ये हमारी नई जिंदगी है, तो फिर ये तुम्हारी भी तो नई जिंदगी की शुरुआत है ना। स्वरा अब तुम माँ पापा की सिर्फ बेटी नहीं की बहू भी हो, उस परिवार की तरफ तुम्हारे कोई फर्ज है, कोई जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें पूरी करनी है। स्वरा तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। मैं ठीक तो करने जा रही हूँ ना। स्वरा हम तुम्हें कभी कुछ गलत करने देंगे तो तुम्हारी बहन होने के नाते हम तुमसे कह रहे हैं। जाओ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पुलिस महेश्वरी हाउस पहुंच चुकी है। स्वरा स्वरा जाओ, स्वरा जाओ। देखिए इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए आप। इंस्पेक्टर ये सब गलत फहमी है और ये सब सिर्फ हो गया। रहने दे रखी, तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है रखी। तू जा जाकर अपनी बीवी का साथ दे, मैं अपने परिवार को संभालूंगा। पर भाई मैं काफिया कुछ कर, लक्ष्य अपनी फैमिली का सपोर्ट कर रहा है, तुझे उसे अपनी तरफ करना ही होगा, कुछ सोच। सर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हम लोगों को अपना काम करने से रोक रहे हैं, ये अपने फैमिली के सीक्रेट छुपा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। चाहे देखते हैं क्या बोलते हैं आगे। सर देखिए आप सवाल ना पूछें अभी। सर पंडिता जी आप भी तो इस घर की बहू हैं,
कितने साल से ये शोषण सह रही है और क्यों? क्या बोल रहे हो आप, ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे किसी का भी शोषण नहीं होता है। आदर्श प्लीज। अच्छा तो काव्य मारवाड़ी नहीं है, उन्होंने लव मैरिज किया है इसलिए उनके ऐसे हालात है। ये सब यहाँ कह रहे हो आप, ये सब सही नहीं है। प्लीज आदर्श, क्या बोल रही है आप? बस बंद करो ये सवाल जवाब और ये फोटो सेशन। घरेलू मारपीट के लिए इस घर के औरतों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अरेस्ट करो इन्हें। इंस्पेक्टर मैं कह रहा हूँ ना कि गलतफहमी हो गई है, आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? मेरे इन-लॉज को छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं रूम में खुद ही गिर गई थी। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, कानून आपकी मदद करेगा। पर इंस्पेक्टर काव्या खुद कह रही है। तो जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों कि एक संस्कारी बहू की तरह काव्या ने अपने सासू माम पे लगे सारे इल्जाम को खारिज कर दिया। लेकिन एक मिनट, पुलिस उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक सेकंड, आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? पहले मेरा लॉयर आएगा, आप उनसे बात करेंगे फिर। देखिए मिस्टर संस्कार, आप अपने लॉयर को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाइएगा, फिलहाल हमें हमारा काम करने दीजिए। ले चलो इन्हें। अरे देखिए तक पहुंचे क्यों नहीं? सोना जल्दी आओ वरना पुलिस इन सबको गिरफ्तार कर लेगी। काव्या ये सब क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस, सीरियसली? चलो। लेकिन काव्या ये क्या किया तुमने? चलो मेरे साथ। प्रॉब्लम क्या आप लोग की? क्यों सर? सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपका परिवार बेगुनाह है? क्या ये चोट के निशान इनकी मारपीट की वजह से नहीं लगे? हाँ का डिलीवरी था, ये लेट कैसे हो गया? कहा मुनीम कहा है? पार्क। सारा दिन चमचागिरी में लगा रहता है। जल्दी कर ये तीन। चलते उसको बोला तीन का। चलो जल्दी फटाफट। वही देवदासियां जिन्होंने बरसों पहले मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया और अब वापस आ गई है मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए। आज तूने जिसे देखा वो है देवदासी तुलसी। नेक्स्ट टाइम लेट नहीं होना चाहिए डिलीवरी। ये क्या बेहुदा हरकत है? जी हाँ इंस्पेक्टर, काव्या के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। उसकी चोट के निशान नकली है, उसके इल्जाम भी झूठे हैं। मेरे परिवार ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखा जीजी, शेखर जी के कसम लेने के बाद भी हमारा साथ देने के लिए कैसे भागती चली आई छोरी। आप तो सरा है ना, जिनको कुछ ही दिनों पहले खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। देखिए कोर्ट ने वाला को भाई साहब बरी किया है, शायद आपको पता नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। और असली गुनहगार जेल में, अगर आप चाहें तो अपने रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। देखा आप सबने, जिस परिवार के ऊपर आप घरेलू हिंसा का इल्जाम लगा रहे हैं उस परिवार ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। कि परिवार ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकता है? हो सकता है इन्होंने आपको अपना लिया हो, पर काव्या से तो मारवाड़ी नहीं है ना। मैं बंगाली हूँ। अब इस केस में नया मोड़ आ चुका है। हमारे साथ है मिसेस स्वरा, जो इस घर के परिवार वालों के औरतों को जेल जाने से बचाने के लिए आई। सही सुना आप सबने, मैं बंगाली हूँ। इस घर की बहू हूँ। संस्कार महेश्वरी की पत्नी हूँ। और
और गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेरे परिवार में से कोई भी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब इस केस में नया मोड़ आ चुका है। हमारे साथ है मिसेस स्वरा, जो इस घर के परिवार वालों के औरतों को जेल जाने से बचाने के लिए आई। लाडो किधर हो? दर्शकों, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे महेश्वरी परिवार को बचाने आ गई है। अरे छोरी भी, चल चल हमारे साथ। मछली बहू मिसेस स्वरा, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे महेश्वरी परिवार को बचाने आ गई है मझली बहू मिसेस स्वरा, जिनका मानना है कि उनकी सास ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब देखना यह है कि यह सच है या गलत। मारे मना करने के बावजूद स्वरा वहां चली गई। कैसे रोकती माँ वो अपने आप को? वो भी तो उसका परिवार है ना। रागिनी, तूने भेजा ना स्वरा को वहां? मामा, आखिर जो सही है वो सही है और जो गलत वो गलत। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, कल रात को हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ और आप कहीं नजर नहीं आए तो। अच्छा, अब हमारे बेटे को घर में हमारी कमी खल रही थी, ततारा जाना पड़ा, अर्जेंट मीटिंग थी कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज की, काम इम्पोर्टेंट था इसीलिए चला गया और आज सीधा ततारा से यही फैक्ट्री चला आया। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? कुछ काम नहीं था, बस एक छोटा सा सवाल है। पूछो। आपके पिता पर मंदिर की मूर्ति की चोरी का इल्जाम लगा और किसी अनजान इंसान ने अपने सिर पर वो इल्जाम लिया और आप सतारा चले गए, तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं जानबूझकर चला गया? मैंने तो नहीं कहा ऐसे। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, मतलब यही सच है ना बाबा? आर्यन, चिल्लाओ मत बाबा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से ना झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। आप वो जो हमेशा उन देवदासों की मदद करते रहते हो, कभी गाय से बचाते हो तो कभी आबा साहेब से बचाते हो। अपनी हद में रहो आर्यन, मत भूलो कि मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं और आबा आपके जन्मदाता है। बहुत खुन्ना से ना, बहुत गुस्सा है ना आपको आबा के खिलाफ, बहुत ज्यादा दया है उन देवदासियों के लिए आपके दिल में। ऐसा तो नहीं बाबा कि एक तीर से दो निशाने साध लिए आपने? कहीं आपने तो मदद नहीं की उनकी हमारे घर तक मूर्ति को पहुंचाने में, क्या बाकी बदनामी हो सके? घटिया सोच है मेरे बेटे की मेरे बारे में। बाबा साहब को बदनाम करने के लिए मैं मूर्ति चुराऊंगा? मैं अपनों के खिलाफ मैं षड्यंत्र रचूंगा आर्यन? अपनों की परवाह भी है आपको? अगर होती तो मेरे आई के आंसू पोंछते आप उस देवदासी के नहीं, मेरी आई को सहारा देते आप उस देवदासी को नहीं। आप अकेले हो जो उनकी सपोर्ट में है, इसकी वजह से आपकी बहन इस घर से बाहर हुई। आपकी आई, आई ने जान दे दी। बस कर, बस कर, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे बेटे हो, चुप हो जाओ। मेरे बेटे के मन में इतना जहर है।
कैसे कर सकते हो बाबा आप ऐसे, वो भी आई और आभा के साथ? कैसे मान सकती हूँ मैं? आप लोग मेरे परिवार पर झूठा इल्जाम लगा रहे। इस परिवार से अच्छा ससुराल किसी लड़की को मिल ही नहीं सकता है। हम आपके बात कैसे मान ले मैम, आप तो खुद यहाँ नहीं रहती। देखिए, मेरे यहाँ न रहने के पीछे कोई वजह है, पर फिर भी मेरा इन सबसे रिश्ता है। इस घर की बहू हूँ मैं, इस परिवार के हर सदस्य से जुड़ी हुई हूँ मैं। इंस्पेक्टर, इस परिवार की बहू होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा परिवार कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। और इंस्पेक्टर, आज से पहले मेरी फैमिली के खिलाफ आपको कोई कंप्लेंट मिली है? नहीं ना, तो फिर आज आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि मेरी फैमिली ऐसा कुछ कर सकती है? ठीक है, आप इस घर की बहू हैं और आप इन सब की गारंटी भी ले रही हैं। और चूंकि इसके पहले हमें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिली है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ रहा हूं। लेकिन मिसेस सोरा, अगर दोबारा हमें इस किस्म की कंप्लेंट आई तो पूरे परिवार के साथ हम आप पर भी मुकदमा चलाएंगे। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी इंस्पेक्टर। फिलहाल हमारा एक कांस्टेबल यहाँ रहेगा कुछ दिनों के लिए, और आप अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो, कोई भी गलत बात हो, तो आप उस कांस्टेबल को बता सकते हैं। बोल दो इन्हें। क्या आप लोगों को समझ ना आ रहा है? इंस्पेक्टर जी ने अभी कह बोला है कि स्लेट पे लिख कर समझाओ। हो गया, आपकी कॉल ठप हो गई यहाँ से। चलिए। ये मेरा भी तो परिवार है ना। थैंक्स। थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए। नहीं नहीं, बल्कि मैं तो खुद को लकी समझता हूं कि मुझे कुछ करने का मौका मिला, वो भी आभा साहब के लिए। वैसे आप आभा साहब की पोती? हाँ। आप आजोबा को कल के बारे में कुछ बताएंगे तो नहीं ना? नहीं, ऐसा करने से परिवार में टेंशन बढ़ेगी, और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे परिवार में टेंशन बढ़े। थैंक्स। मुझे लगता है थैंक्स के साथ ही पेट भरना पड़ेगा। सॉरी, गलत टाइम पे मजाक किया। नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आपको और सब्जी दे दिए। आप खिलाएंगी तो जरूर लेंगे। बस खुश पड़ गई कलेजे में ठंडक। बाप और बेटे के बीच में दरार डाल के खुश हो रहा तुम पवित्रा? बाप और बेटे के बीच मैंने दरार डाली? हमारा बेटा बड़ा हो गया है, सवाल तो पूछेगा ही ना? सवाल तो पूछेगा ही। किसी ने ठीक ही कहा, स्त्री का चरित्र देवता नहीं समझ सकते, तो मैं मामूली इंसान क्या समझूंगा? कैसे समझूंगा मैं तुम्हें? ये नफरत, ये जहर, ये गलत फहमी जो तुमने आर्यन के अंदर डाली है ना, अब भुगतोगी भी तुम। गलत फहमी? अगर इस घर में उन देवदासियों के लिए किसी को हमदर्दी है तो वो सिर्फ तुम हो। आरोप आरोप आरोप, जिंदगी भर तुमने सिर्फ मुझ पे आरोप लगाए हैं पवित्रा, और आज मेरा बेटा भी मुझ पे आरोप लगा रहा है,
सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने सिर्फ उसे सच बताया है और सच जानने के बाद वो सवाल तो पूछेगा ही ना। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अगर हमारा रिश्ता आपको कायम रखना है तो उन देवदासियों के साथ आपका जो संबंध है वो आप। कोई संबंध नहीं है मेरा उनके साथ, कोई संबंध नहीं है, ना ही कभी था और ना ही कभी होगा। लेकिन तुम्हारे शक का क्या करूं मैं? बस पवित्रा, अब और सहन नहीं होता मुझसे। आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, सब खत्म। रिश्ता खत्म मतलब? मतलब आज से तुम बच्चों की आई तो हो, बाबा साहेब की सुनबाई भी हो, लेकिन मेरी पत्नी नहीं हो तुम। हमारा रिश्ता खत्म। आज से इस कमरे में कदम भी नहीं रखूंगा मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मेरी कसम, आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते मेरे साथ। रिश्ता? रिश्ता प्यार से बनता है पवित्रा, विश्वास से बनता है। जब हमारे बीच में नहीं रहा। नहीं, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। आपको मेरी कसम, आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते मेरे साथ। छोड़िए ऐसा, नहीं रहा मेरी बात। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मालिक को डिलीवरी कल की हो गई आज, और पैसे ना मांग रहे हैं। मालिक, ये मिर्ची लाइट आज 440 वोल्ट के झटके मार के चली गई। अरे बेटा बनवारी, ये तो ताता थैया की बेटी और आर्यन बाबा, ये नैन मटक्का वाली स्टोरी कब से शुरू हो गई? अरे बेटा बनवारी, आपका 440 वोल्ट का झटका और बनवारी का लग गया मटका। अब लगेगी वाट और बनवारी बेटे होंगे तेरे ठाट। ये हो बाके बिहारी नाचे बनवारी, ताता थैया। फोन कर लाडो, स्वरा को फोन कर और बोल वाको इसी वक्त घर वापस आए, नहीं तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। हेलो, आपके बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। पापा का एक्सीडेंट हो गया है। अगर तुलसी तुलसी, मैं कंटाल गई हूँ इन गोलियों से। आई, तू चुपचाप गोलियां खा ले, मैं तेरी हर जिद मान सकती हूँ लेकिन ये नहीं मानूंगी। खा ले, खा रही हूँ। आई आई, मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ मैं जानती हूँ तू टेंशन लेगी, मैं केतकी के घर जा रही हूँ उसको इंग्लिश लेसन देने के लिए। अब इतनी पढ़ाई की है तो थोड़ा तो काम आए ना मेरी आजी के गाँव। जागर जा, किसी का भला हो सके पीछे हटना नहीं चाहिए। जागर जागर, है ना। बाय आई। बाय। अगर ये डब्बा लेकर कहाँ जा रही है तू? अरे आई, सरस्वती के लिए खाना लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल में। कहाँ? उसके घर वालों ने तो उसे बेसहारा छोड़ दिया, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि वो मेरी सहेली है। मैं एक काम करती हूँ, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, यहाँ बैठे बैठे मैं क्या करूंगी। अच्छा ठीक है आई, तू जल्दी आना, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। मैं पानी पीकर आती हूँ, तू जा।
कहीं इसे पता ना चले कि देवेश नाम का मोहरा मेरी मुट्ठी में है। आई आली गाली। गुंडागर्दी करने आए तुम यहाँ पे अपना कॉलेज छोड़ छाड़ के? लोगों के घर चलाओगे तुम? आग तो मैंने वहां लगाई है बाबा, लेकिन जल तो आप रहे हो। आपका दिल ना बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें सिर्फ दूसरों के लिए जगह है, खास करके उन देवदासियों के। तेरे में इतना जोश नहीं कि तू किसी को पलट के जवाब दे, और जो दे रहा है उसे टोक रहा है तू। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अगर हमारा रिश्ता आपको कायम रखना है तो उन देवदासियों के साथ आपका जो संबंध है वो आप... बस पवित्रा, आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। छोटे मालिक, हम हाथ जोड़ते हैं, यहाँ बैठकर इस तरह शराब पीना आपको शोभा नहीं देता। चुप। और तू भी मुझे ज्ञान देगा? मतलब सबने ज्ञान देने का ठेका ले दिया? ले क्या? प्रेजेंट टेंस है, डी आई डिड पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और डन पास्ट पारस्परिक। अच्छा ताई, डू का डिड, गो का वेंट, तो फिर रीड क्या रेड क्यों? अब इस बात का जवाब तो अंग्रेज भी नहीं दे सकते कि डू का डिड, गो का वेंट और रीड का रेड क्यों है। ठीक है ताई, जाने दो, मेरे को तो बस याद करके ना एग्जाम देना और पास होना है। ये देखो ताई, मैंने लिख लिया। अरे ये क्या, तुमने तो अंग्रेजी को भी देवनागरी में लिख दिया। हो ताई, वो याद करने के लिए। हाँ वैसे फेयर एनफ, आजकल लोग हिंदी को भी तो अंग्रेजी में लिखते हैं एसएमएस वगैरह पे, है ना? और तुमने इंग्लिश को देवनागरी में लिख दिया, क्वाइट इंटरेस्टिंग। शाबाश। दिखता नहीं है क्या, पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? तारा रा रा, तारा रा रा, तारा रा रा।
आज के बाद इस घर से मेरा और मेरी बच्चियों का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि आज के बाद कभी इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखेगी। सोच ले, मायका या ससुराल। जरा आप तुम माँ पापा की सिर्फ बेटी नहीं कि बहू भी हो। उस परिवार के तरफ तुम्हारी कोई फर्ज है, कोई जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें पूरी करनी है। नहीं जाएगी, शेखर जी ने कसम दी है, इसलिए। हाँ रागिनी बोलो। क्या